डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है गांधी जी की रचनाएं। गांधी जी ने प्लेटो, अरस्तु, होब्स, लोक और कार्ल मार्क्स आदि विचारकों की तरह कोई क्रमबद्ध रचना नहीं प्रस्तुत की है और न ही राजनीतिक चिंतन पर कोई प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। गांधी जी ने उन विचारों को जो समय समय पर देश के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचे के विकास में प्रकट रहे हैं, एकत्रित करके लोगों ने गांधीवाद का नाम दिया। गांधी जी ने स्वयं कहा था कि गांधीवाद नाम की कोई वस्तु नहीं है, मैं अपने पश्चात कोई वाद नहीं छोड़ना चाहता। गांधी जी का पूरा जन्म प्रयोगशीलता और सत्य की खोज में व्यतीत हुआ। यही कारण है कि उन्होंने अपने विचारों के लिए कभी पूर्णता का दावा नहीं किया। गांधी जी के विचारों के विषय में हमें उनकी कृतियों से जानकारी मिलती है, जो प्रमुख हैं। नंबर एक है मोहनदास करमचंद गांधी, इंडियन केस फॉर स्वराज्य 1932 में। नंबर दो है मोहनदास करमचंद गांधी, द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, अहमदाबाद 1940 में प्रकाशित हुई। नंबर तीन मोहनदास करमचंद गांधी, सत्याग्रह 1935 में। नंबर चार है मोहनदास करमचंद गांधी, इकोनॉमिक्स एंड खादी, अहमदाबाद 1949 में। नंबर पाँच है द साइंस ऑफ सत्याग्रह, मुंबई 1957 में। नंबर छः है हिंद स्वराज्य और इंडियन होम रूल, ये अहमदाबाद में 1958 में। और सात है ट्रस्टीशिप अहमदाबाद, ये 1960 में प्रकाशित हुई। इन मुख्य रचनाओं के अतिरिक्त उनके विचारों की जानकारी उनके द्वारा संपादित दो समाचार पत्रों यंग इंडिया और हरिजन में भी मिलती है। थैंक यू।